इस संसार को उत्पन्न करने वाली, पैदा करने वाली, वेदों से भी पूर्व पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, चंद्रमा, सूरज को पैदा करने वाली भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान महेश, भगवान राम को पैदा करने वाली सभी 64 करोड़ देवी देवताओं को पैदा करने वाली, संसार में जो भी दिखाई देता है, जो भी नज़र आता है, जो भी सुनाई देता है, जो भी देख रहे हैं, जो भी चलते हैं, जो भी फिरते हैं, जो भी जानवर हैं, जो भी पशु पक्षी हैं, जो भी पेड़ हैं, जो भी घास है, जो भी मिट्टी है, जो भी आकाश है, उसको पैदा करने वाली, उसको उत्पन्न करने वाली, उसको संभालने वाली, उसको भोजन देने वाली, आदि अनादि काल से, जब ये पृथ्वी नहीं थी, चंद्रमा सूर्य तारे नहीं थे, ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं थे, तब भी तू थी, तू एक है, तू एकम है, तू एका माई है, तुझसे पहले ना कोई था, ना है, ना होगा, ऐसा वेद में लिखा है, ऐसे गुरु ग्रंथ साहिब में वर्णित है, ऐसे सभी धर्म ग्रंथों में वर्णित है, तू ये है, तेरा नाम, तेरा पाठ सब दुखों को हरने वाला है, ऐसा कोई रोग नहीं, ऐसा कोई दुख नहीं जिसको तू दूर नहीं कर सकती, तू कुछ भी कर सकती है, तू समर्थ है, हर प्रकार से समर्थ है, तू हमारे दुखों का अंत करो, हम अहंकार से भरे हैं, काम से भरे हैं, क्रोध से भरे हैं, विकारों से भरे हैं, तेरा नाम नहीं लेते हम, घर में, परिवार में, पति में, पत्नी में, बच्चों में, विषय में, विकारों में भरे पड़े हैं, अपने समान किसी को समझते नहीं है, हमसे बढ़कर लगता है कोई है ही नहीं, हम ही सब कुछ है, जो दूसरा नज़र आता है हमें वो निकृष्ट नज़र आता है, हमारे समान कोई नज़र नहीं आता, और तू दया भी है, तू दयालु है, तू शत्रुओं से भी प्रेम करती है, जो तुझे मानते हैं नहीं मानते, सबको समान सूर्य देती है, सबको समान वायु देती है, धरती देती है, अग्नि देती है, जल देती है, आकाश देती है, सब कुछ देती है, फिर भी हम तेरा नाम नहीं लेते, तुझे जानते नहीं, तुझे पहचानते नहीं, फिर भी तू हमें देती है, तेरे में ईर्ष्या नाम की बात ही नहीं है, तू ईर्ष्यालु नहीं है, इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जिसने कहा मैंने चंद्रमा सूर्य तारे पैदा किए, मैंने पृथ्वी पैदा की, मैंने अग्नि जल पैदा की, तूने सब कुछ पैदा किया है, और वेद से पहले कोई किताब नहीं थी, कोई ग्रंथ नहीं था, तूने उसमें कहा है, सभी वेदों में कहा है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा है, ये शिव जिसकी पूजा करते हैं उसने कहा है, ये भगवान राम कृष्ण ने कहा है, भगवान राम कृष्ण तेरी पूजा करते थे, तेरा ही नाम जपते थे, और तू संसार की स्वामिनी है, तेरा कोई नाम नहीं जपता, करोड़ों में से कोई एक तुझे ध्याता है, तुझसे लेते हैं, अहंकार से भरे हैं हम सारे, हम पापी नहीं माँ पापी है, हमें माफ करो, तू दयामयी है, करुणामयी है, तेरी दया का अंत नहीं है, हमारे पापों का अंत नहीं है, हमारे अहंकार का अंत नहीं है, हमारी कामनाओं का, वासनाओं का अंत नहीं है, हे देवी, हे जगत जननी माँ, हमें क्षमा करो, हम आपकी शरण में आए हैं, आपने वेद में कहा है, जो सैकड़ों सैकड़ों पाप करके मेरी शरण में आकर एक बार माँ श्री जगदम कहकर पुकारता है, उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मा आदि देवताओं को भी सुलभ नहीं है, माँ अम्बे माँ जगदम हम अपराधी है, सैकड़ों सैकड़ों हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों अपराध करके पाप करके आपकी शरण में आए हैं, हमें अपनी भक्ति दो, आपने स्पष्ट कहा है वेदों में कि जो महामारी मैं हूँ, महामारी मैं पैदा करती हूँ, जो मेरा नाम नहीं जपते, जो निकृष्ट है,
जो मुझे भूल जाते हैं, मैं उन्हें महामारी बनकर उनका नाश कर देती हूँ। हे मांबे माँ जगदम्बे, ये जो कोरोना महामारी है, इसका तेरे अलावा कोई नाश नहीं कर सकता। तू जगत की स्वामिनी है, हम तेरी शरण में हैं। तू कुछ भी कर सकती है जो तेरा पाठ करते हैं, छोटा सा तीनों संध्या तेरा पाठ करते हैं, उसे इस संसार के सारे सुख मिलते हैं, सारे वैभव मिलते हैं, कुछ भी संसार में हो उसे मिल जाता है। हे माँ अम्बे माँ जगदम्बे, हम तेरा पाठ करेंगे जो तूने वेद में लिखा है। हे दयामयी माँ, हम आपके बच्चे हैं, मूर्ख हैं, अल्पज्ञ हैं, तू दयामयी है, हमें तेरा ध्यान दो, अपनी भक्ति दो। तेरी भक्ति के बिना दुखों का, रोगों का समाधान हो ही नहीं सकता। इस कोरोना की भयंकर महामारी का कोई इलाज नहीं कर सकता, इस दुनिया में कोई वैज्ञानिक, कोई डॉक्टर, कोई भी नहीं कर सकता। हे माँ, जिसने तेरा नाम जपा, पाठ किया, वो करोड़ों लोग कोरोना से मुक्त हो गए, उन्हें कोरोना छू ही नहीं पाया। ये प्रत्यक्ष इसका वैज्ञानिकों ने देखा, डॉक्टरों ने देखा, जो तेरा पाठ है, जिसने भी किया वो रोगों से मुक्त हो गया, गरीबी से मुक्त हो गया, बीमारियों से मुक्त हो गया। जो इंकार के वशीभूत होकर, अहंकार से भरकर तेरा नाम ही नहीं जपते थे, रो रहे हैं, तेरा नाम नहीं जप रहे, उन पर दया कर। हम वह पापी हैं, हम वह अहंकारी हैं, हम पर दया कर मां। देवताओं की देवता, परमात्माओं की परमात्मा, हे मां, हे कोरोना में मां, हमारे पापों का अंत कर। ये सारा संसार तूने बनाया है, तेरा है, हम तेरी शरण में आए हैं। जय अम्बे जय जगदम्बे, ये प्रार्थना है, इसको रोज सुना करो, अद्भुत है। ये स्वयं देवी देवताओं ने माँ दुर्गा के आगे कही। देवी भागवत में, विष्णु पुराण में, शिव पुराण में, रामायण में, गीता में, ऐसा दुनिया का कोई ग्रंथ नहीं है जिसमें ये प्रार्थना नहीं है। और ये कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का नहीं है, जो भी जगत में दिखाई दे रहा है उसकी माँ है, ये उसको पैदा करने वाली है। इसको धर्म से दूर रखो, जाति पाति से दूर रखो, अहंकार से दूर रखो, इसको नाम मत दो, इसका नाम नहीं है, कोई नाम नहीं है इसका, नाम जो मर्जी बोल दो, इसको राम बोल दो, कृष्ण बोल दो, अकाल पुरुष बोल दो, परमात्मा बोल दो, जो मर्जी बोल दो इसका नाम। हे माँ दुर्गा, हम आपकी शरण में आए हैं,